यूपी के बलिया जिले के मालदेपुर स्थित नागाजी स्कूल में आरएसएस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा दौरा हुआ, जहां उन्होंने कई बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री बांटी और बाढ़ से प्रभावित इलाकों में प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इटावा, उरैया, जालौन, हमीरपुर, गाजीपुर, बलिया और वाराणसी जिलों का जमीनी और हवाई सर्वेक्षण किया है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। बलिया में एक बड़ी आबादी, 112 गांव और 34 राजस्व गांव बाढ़ में प्रभावित हैं, जिनको हर संभव मदद दी जा रही है। और कोरोना पर बोलते हुए कहा कि बलिया में कोरोना काल में स्थिति बेहतर नियंत्रण है और एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। पेश है बलिया के हमारे संवाददाता संजय कुमार तिवारी की यह एक खास रिपोर्ट। वर्तमान में प्रदेश का गंगा के तटवर्ती क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं। पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 24 जनपदों के 600 से अधिक गांव, आबादी के गांव बाढ़ की चपेट में होने के कारण राज्य सरकार के स्तर पर उन सभी क्षेत्रों में बचाव और राहत का एक बृहद अभियान चल रहा है। मैं स्वयं इन सभी क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए आज बलिया जनपद में आया हूँ। मैंने अभी तक इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया इन सभी जनपदों का जमीन से भी और वायु सर्वेक्षण भी करते हुए राहत कार्यों की और बाढ़ से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की है, उसका निरीक्षण भी किया है। कल वाराणसी में मैंने मिर्जापुर, भदोही, चंदौली जनपदों की भी समीक्षा की है। प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के कार्यों के साथ जुड़ा हुआ है। आज बलिया के अंदर भी मुझे पूरे जनपद के अंदर गंगा नदी के कारण, टॉन्स के कारण और सरयू नदी के कारण बाढ़ या जल तनावन की जो स्थिति पैदा हुई है उसका निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैंने इस चीज को वहां पर बहुत नजदीक से देखा है कि एक बड़ी आबादी, जिसमें लगभग अगर आबादी के गांवों की संख्या, राजस्व गांवों को हम देखें तो वह 112 राजस्व गांव है, लेकिन आबादी से जुड़े हुए गांव केवल 34 ऐसे गांव हैं जिनके लगभग 1.25 लाख के आसपास आबादी बाढ़ से प्रभावित है। वहां पर बचाव और राहत के कार्य चल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट और लोकल नाविकों को भी बचाव और राहत कार्य के लिए लगाया गया है। प्रदेश सरकार के द्वारा पहले से ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का खाद्यान्न और राज्य सरकार के स्तर पर भी प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन इस सब के बावजूद पीड़ित परिवारों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में हरेक जनपद में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया गया है। हर बाढ़ पीड़ित व्यक्ति को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 10 किलो सूखा चना, भुजा, लाई, इसके अलावा मिर्च मसाले, नमक, मोमबत्ती और प्रयास किया जा रहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में केरोसिन की भी उपलब्धता हो सके। जहां पर केरोसिन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, प्रशासन से इसके बारे में कहा गया कि वहां पे पेट्रोमैक्स की व्यवस्था या फिर जनरेटर की व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति के हिस्से और सुरक्षा के हिस्से भी करें।
राहत शिविरों में जहां पर पानी घुस चुका है वहां पर जो लोग सड़कों के किनारे जहां तहां रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित राहत शिविरों तक पहुंचाने, कम्युनिटी किचन के माध्यम से उन्हें फूड पैकेट या अच्छा भोजन, ताजा भोजन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। बाढ़ के समय और बाढ़ के बाद उन क्षेत्रों में जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों की आशंका होगी, इनसे बचाव के लिए भी पुख्ता व्यवस्था करते हुए मेडिकल टीम निरंतर उन क्षेत्रों का भ्रमण करें। पेयजल की व्यवस्था अच्छी हो, शुद्ध हो, यह भी सुनिश्चित करने की तैयारी करें। इसके साथ ही यह भी प्रशासन को निर्देश दिए जा रहे हैं कि छोटी और मझोली नाव नदी के करंट के उसमें ना आने पाए, नदी की धारा में न चले, एनडीआरएफ एसडीआरएफ या पीएससी की स्टीमर या बड़ी नौकाओं के माध्यम से ही सवारियां जाएं। क्षमता से अधिक सवारी कोई भी नाव लेकर के न जाएं। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करें, खासतौर पर राहत शिविरों में जहां पर महिलाएं और बालिकाएं रह रही हैं उन्हें वहां पर एक सुरक्षित माहौल देने के लिए महिला आरक्षियों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। पशुपालन विभाग को पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था, टीकाकरण की व्यवस्था और अन्य कार्यों के लिए भी हिदायत दी गई है और सिंचाई विभाग को भी स्पष्ट हिदायत दी गई है कि वह सुनिश्चित करें कि जो नदी के करंट से कटान की संभावना दिख रही है वहां पर कटान अवरोधक कार्य अविलंब वे लोग प्रारंभ कर सकें। हर हाल में जनधन की हानि को रोकना है और लोगों को अधिक से अधिक राहत प्रदान करना है। जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से जनपद में राहत के कार्य और बचाव के कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं, बेहतर तरीके से इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। अभी आशंका बनी रहेगी तो उन सभी आशंकाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी आगे उन सभी को निर्मूल साबित करने के लिए प्रशासन को सचेत रह करके सक्रिय रह करके बचाव और राहत कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए हर बाढ़ प्रभावित गांव में नोडल अधिकारी की तैनाती, निगरानी समितियों से उनका बेहतर समन्वय, हर जिले में कंट्रोल रूम के माध्यम से निरंतर इनके साथ संवाद की बेहतर कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जनपद बलिया ने कोरोना महामारी पर बेहतर तरीके से नियंत्रण प्राप्त किया है। आज यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव का एक भी केस नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति में और ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं वो एक सराहनीय प्रयास है और थर्ड वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही है, पीपो निपो के निर्माण की कार्रवाई भी स्तर पर यहाँ पर चल रही है। बहुत शीघ्र यहाँ पर उससे संबंधित उपकरण और इक्विपमेंट आ जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाना और सभी संबंधित को इसके साथ जोड़ने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। हमें विश्वास है कि कोरोना महामारी के साथ साथ इस आपदा पर भी नियंत्रण प्राप्त करने में यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ का प्रशासन और राहत कार्य से जुड़े हुए सभी लोग बहुत शीघ्र इस पर नियंत्रण प्राप्त करेंगे। यहाँ पर बचाव राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसके बेहतर परिणाम और जनता को अधिक से अधिक राहत देने में लोग सफल होंगे, शीघ्र सफल होंगे। धन्यवाद।